हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ लिप बम, पिंक लिप बम। मैंने पिछले वीडियो में लोगों से कहा था कि मुझे कमेंट करना और उन्होंने करीबन 1500 कमेंट फिर कर दिया, तो मुझे मजबूरन ये बनाना पड़ा है। तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, कमेंट्स मिलते रहेंगे और मैं आपकी डिमांड्स पूरी करती रहूंगी। ये लिप बम जिनको पिगमेंट है, ब्लैक होट हो जाते हैं या डार्क ब्राउन कलर के पिगमेंट है, उनके लिए भी है, बहुत अच्छा है। अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ़र्क रहेगा। इसमें जो मैंने रेड पिगमेंट यूज़ किया है वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका लिप बाम पिंक कलर का या रेड कलर का दिखे, तो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ऐड करना। तो मैं इस रेसिपी पे जाने से पहले आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगी कि मुझे लोग बंगाली आज तक कहते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे बिलीव हुआ अपने फोटोग्राफ को देखकर। मुझे भी काफ़ी हंसी आ रही थी कि फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मैं बंगाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं लिप बाम। यहाँ पर मैंने लिया है क्लीन वाला जो ये वैक्स है। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि जो एकदम प्योर होता है वो ब्राउन होता है, उसमें काफ़ी गंदगी होती है, तो उसको मैंने नहीं लिया। आज दूसरा, पिछली बार मैंने उस वैक्स से बनाया था, तो इस बार इस वैक्स से मैंने आपको दिखा दिया। इसको एकदम पतली स्लाइस में ऐसा काटेंगे जैसे पेंसिल छीलते हैं, ताकि ये मेल्ट ईजिली हो पाए। और इसको एक बाउल में लेंगे। मैं यहाँ पर, आप डबल बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में डाल रही हूँ, मेरे लिए इजी ज़्यादा वो रहता है। इसको बेस देना पड़ेगा किसी चीज़ का, तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल का बेस दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं या तिल का तेल, सिसमी ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन लिप्स पे थोड़ा सा वो पंजेंट हो जाता है। 30-30 सेकेंड करके मैंने 3 बार इसको गर्म किया है, मिक्स किया है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इतना बचा है, मतलब 1.5 मिनट, लेकिन इकट्ठे 1.5 मिनट आप नहीं कर सकते हैं, 30-30 सेकेंड करके करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो पाए। इसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो बटर। मैंगो बटर में विटामिन ए बहुत होता है, तो वो किसी भी तरह के पिगमेंट से बहुत फाइट करता है। तो होंठ जिसके काले पड़ रहे हैं उसके लिए मैंगो बटर बहुत अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल डालिए। इसमें सी भी होता है, ए भी होता है, तो रिपेयरिंग सिस्टम बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर मैं मैंगो बटर भी ऐड कर रही हूँ। इस पर मेजरमेंट आपको मेरे वेबसाइट पर मिलेगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन पोस्ट में मिलेगा, तो बिल्कुल जा करके देखिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये इतना गर्म होता है कि टेम्परेचर बैलेंस कर ले। ये ध्यान रखिएगा कि मैंगो बटर ठंडे में नहीं डालना है, जब वो गर्म रहे तभी डालना है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि इसको दोबारा बॉयलर पे ना डालें, डबल बॉयलर पे या माइक्रोवेव में, जब तक कि ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। हनी लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते तो मैं बताती नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक हनी नहीं मिलता। ये ऑर्गेनिक हनी है, इसलिए भी मैंने वो वैक्स यूज़ किया था कि ऑलरेडी इस हनी में आप देखो काफ़ी वैक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। ये बिल्कुल जो निकाला जाता है जो छत्ते से, वो वाला है, मेरे बिल्डिंग के पीछे पेड़ में से निकाला गया था इसको, तो वो वाला। ये एकदम प्योर है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मेरे आँख के सामने उन्होंने निकाला था। तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है लिप्स के, स्किन के लिए, बॉडी के लिए। इंटेक करो या एप्लीकेशन करो, बालों में लगाओ, कहीं भी लगाओ, ऑर्गेनिक है तो आपको बहुत बढ़िया। मार्केट में आप ढूंढना कोशिश करना, मुझे अभी तक मिली नहीं है इस टाइप की जो, और जो मिलती है वो 2500-3000 रुपये की होती है, जबकि मैंने ये 450 रुपये किलो खरीदा था नीचे, जो आते हैं निकालने के लिए उनसे। ये है वाटर, जो पिगमेंट वाटर जो मैंने बनाया है इसमें मिक्स करने के लिए। ये पिगमेंट वाटर मैंने बनाया है बीट रूट से, चुकंदर से। जड़ ये रख लेना, आप किसी भी टी में डाल के आप पी सकते हो, जो भी मैंने टी बताया है इसका बेनिफिट बहुत है। तो आप बीट रूट वीडियो में देखिए, मैंने जड़ का भी बेनिफिट बताया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, या फिर आप ब्लेंड भी कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो है कि इसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, इसका जूस नहीं चाहिए मुझे। और ये मैं बीट रूट में और अपने लाइव वीडियो में बहुत बार बता चुकी थी आप लोगों की, अगर पिंक होट करना है तो बीट रूट का रस बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं और बार बार आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं तो इसमें आपको मैं बता दूं, वरना मैं 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले ये बता चुकी हूँ आप लोगों को। गर्म पानी लिया, ये बिल्कुल बॉइल्ड वाटर है, इसमें इन्फ्यूज़ करने के लिए डालेंगे। बिल्कुल कच्चा अगर रस रहेगा तो वो हर जगह दाग छोड़ता रहेगा और वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात, कच्चा सब्जी या फल का रस अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे किसी ऑयल में, तो आप फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 4 महीना चलेगा। तो थोड़ा सा उसको इन्फ्यूज़ कर लेंगे, टी बना लेंगे और रख देती हूँ मैं इसको साइड में। और उसके बाद जब ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तब एक प्याली में इसका रस निकालना है और उस प्याली में केसर डाल रही हूँ। यहाँ सैफ्रॉन है, ये सैफ्रॉन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और जिनके
उनके लिप्स बहुत ख़राब हो, वैसे में तो बहुत ही अच्छा होता है, डिस्कलरेशन जो होती है वो इक्वल करती है, बहुत कॉस्टली चीज़ है। तो जिनको भी सिर्फ पिंक लिप्स करना है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिनकी पिगमेंटेड लिप है, ब्राउन है, उनके लिए सैफ्रॉन इम्पॉर्टेंट है, तो आप अरेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर लोकल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैं, ये हॉट है, गर्म ही है ये काफ़ी, इसी में मैंने सैफ्रॉन डाल दिया, बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ होगा और कलर देखिए और स्ट्रॉन्ग हो गया इसका, क्योंकि सैफ्रॉन का कलर ब्राउनिश निकलता है, ऑरेंज नहीं निकलता एग्जैक्टली, हल्की ब्राउनिश निकलती है। तो ये मिक्स होकर के ऐसा हो गया। अब ये जो मैंने क्रीम बनाया है मेल्ट करके, उसमें मैं डालती जाऊंगी, लेकिन ये ठंडा नहीं होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तो क्रीम में गांठें पड़ जाएंगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब ओवरनाइट क्रीम बता रही थी तब भी मैंने बताया था, आप ऊपर कार्ड देखो उस पर लिंक है ओवरनाइट क्रीम का, तो उस टाइम भी मैंने बताया था और मैं अभी बता रही हूँ कि जब भी क्रीम बनाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लिक्विड फॉर्म है या ऑयल फॉर्म है और जो क्रीम फॉर्म है उसका बराबर टेम्परेचर हो, दोनों गर्म हो, ताकि मिक्स कर पाएँ। और बाद में ये वाटर सेपरेट हो जाएगा, जितना इसको लेना होगा क्रीम को उतना लेगा, बाकी सारे वाटर वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसको प्याली में निकाल लीजिएगा, वो दूसरे काम आ जाएगा। कुछ नहीं होगा तो आप पी लेना, क्योंकि वो बेनिफिशियल है, फेंकना मत। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा आपके लिप पे काम करता है, शहद और सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं इसमें विटामिन ई ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, जिनकी लिप ऑयली हैं, ऑलरेडी ड्राई नहीं है, उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ड्राई स्किन, गर्मी में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, तो आप बिल्कुल डालें एक विटामिन ई का कैप्सूल। और ये वाटर मैं सेपरेट करती जा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सेपरेट होता जाएगा, मिलाते जाएंगे, ये क्रीमी ही रहेगा और वाटर बाहर आता जाएगा। ये काफ़ी स्मूथ हो गया है और इतना जो मैंने बनाया है, ये जो क्वांटिटी है ये करीबन 4-5 मंथ्स चलती है। ये मैंने केस खरीदा था लिप बाम का केस, तो थोड़ा सा मैं निकाल के मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि केस में ऐसे नहीं जाएगा, तो मैं 10 सेकेंड के लिए डालूंगी माइक्रोवेव में। और ये लिक्विड हो गया है और इसमें डाल देंगे। वैसे अगर आप सीधा डिब्बी में डाल रहे हैं और हाथ से लगाने वाले हैं, केस में नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको दोबारा रीहीट मत कीजिए तो ही अच्छा है। और ये केस मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा आराम हो जाता है लगाने के लिए, आप अपने पर्स में रख सकते हैं और कहीं भी इसको लगा सकते हैं, इसलिए केस थोड़ा सा होता है कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाती है चीज़ें। बाकी डिब्बी में आप अच्छे से रख लीजिए। और मैं एक्चुअली बता रही हूँ, अगर आपको इसको बहुत दिन तक रखना, 6-7 महीने 1 साल, तो आपको 1 पिंच सोडियम बेंजोएट मिलाना पड़ेगा, बट मैं इसमें कोई केमिकल नहीं डाल रही, तो ये 3 महीना चलेगा अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो। ये विस्कर पे जो लगा था वो मैं लगा रही हूँ हाथ से। सेकेंड फॉर्मूला ये भी है कि केस से आप कैसे लगाएंगे, 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट ही केस वाला जम जाता है, क्योंकि वो उसमें वैक्स है, तो वैक्स बहुत जल्दी ही जमेगा, तो ये जम चुका है और बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इससे लगाना, और कहीं ले जाना बहुत इजी हो जाता है। लिपस्टिक की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पिंक रंग पसंद नहीं है और बाकी रिजल्ट यही चाहते हैं, तो सिर्फ बीटरूट को स्किप कर दीजिए, हल्का सा गर्म पानी में आप सीधा केसर डाल सकते हैं अगर आपके पिगमेंट है लिप्स पे, और अगर वो भी नहीं है तो हल्का गर्म पानी करके बाकी का बना सकते हैं आप लिप बाम, तो ये स्किप कर सकते हैं अगर आपको पिंक कलर। मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं लिपस्टिक ज़्यादातर यही लगाती हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाती, जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं लिप लाइनर की मदद से यही लगा लेती हूँ, और देखने में ये पता नहीं चलता कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया हुआ, सिर्फ लिप लाइनर का आउटलाइन करते हैं और ये पूरा कंप्लीट लिपस्टिक ही लगता है। और आपके लिप्स को भी ये सूरज के वो यूवी रे से भी बचा रहा होता है, और हर तरह से, क्योंकि मैंगो बटर आपको यूवी रे से भी बचाता है, तो सनस्क्रीन लोशन की तरह भी काम कर रहा होता है कहीं हद तक आपके लिप्स पे, तो ब्राउन पिगमेंट खत्म हो रहे होते हैं और नए आ नहीं रहे होते, तो ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और ये स्टिक आप अपने पर्स में रख सकते हैं, जो डब्बी में है वो आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, तो पूरी सर्दी अगर ऐसे करेंगे तो जब आप नहीं भी लगा रहे होंगे तब भी आपके लिप्स बहुत खूबसूरत लगेंगे, जब आपके लिप्स पे ये नहीं होगा तब भी हल्के पिंक कलर के तब भी वो दिखते रहेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, जिनको भी अर्थराइटिस है कई तरह की, या फिर आपको बॉडी पेन है या मेनोपॉज में प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना पूरा डिटेल अगर नीचे लिख सके, ताकि मैं जान सकूँ कि एग्जैक्टली आपको
प्रॉब्लम क्या क्या होती है, मुझे अर्थराइटिस पे आ गया और मेनोपॉज पे वीडियो बनाना है, तो मैं एग्जैक्टली आपके वो क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको मुझसे बात करना है और जो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं उनको नंबर दूँ या मेल पे बात करूँ। तो आप अपना जितना भी डिटेल दे सकते हैं पेन का, जिनको मेनोपॉज है, अर्थराइटिस है, बॉडी पेन है, माइग्रेन है, आप दीजिए। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मैं वीडियो बना करके अपलोड कर पाऊँ। तो आपको ये पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और बिल्कुल फायदा उठाइए इस फॉर्मूले का, बनाइए अपना लिप बाम, लिपस्टिक, जो भी आप इसको कहते हैं। और ये मेरी वीडियो की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, उसके डिटेल आपको अच्छे लगे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्सअप करें, अब मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली से और सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप उसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।